नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिका और रूस परमाणु संधि पर बातचीत पर सहमत। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और रूस निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच मौजूदा एकल परमाणु संधि पर बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। नई शुरुआत संधि रूस और अमेरिका द्वारा सभी तैनात अंतर महाद्वीपीय दूरी के परमाणु हथियारों को सीमित करती है। यूक्रेन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार। कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि वह रूस के साथ शांति वार्ता के लिए खुले हैं। ज़ेलेंस्की के बयान में काफ़ी नरमी दिखी और इस बयान से पहले वे मॉस्को के साथ बातचीत करने से लगातार इनकार करते रहे, जब तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता में है और क्यू की मुख्य मांगों पर अड़े रहे। यूक्रेन ने अमेरिका से ईरानी ड्रोन से लड़ने में नई क्षमताएं मांगी। रूस के युद्ध प्रयासों को मजबूत करने के लिए ईरान द्वारा निर्मित और आपूर्ति किए गए हमले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों के लिए यूक्रेन की सहायता करने के लिए कहा। रूस ने हाल के सप्ताहों में ईरान निर्मित ड्रोन का उपयोग करके घातक हमलों की लहर शुरू की, जो बिजली संयंत्रों पर हमला, नागरिकों की हत्या, रोलिंग ब्लैकआउट का कारण, लाखों यूक्रेनी घरों को अंधेरे में डुबाने के लिए विस्फोट करते रहे। उत्तर कोरिया ने रूस को तोपखाने के गोले भेजने के अमेरिका के दावे से इनकार किया। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी दावों का खंडन किया है कि वह यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में उपयोग के लिए रूस को तोपखाने के गोले और गोला बारूद भेज रहे हैं और मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने रूसी फिगर स्केटर कामिला वालीवा के मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास भेजा। अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम नेपाल में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 5 लोग की मौत हो गई। इराक से सीरिया जाने वाले ईंधन के काफिले पर हमले में 10 की मौत। इराकी सीमा के पार सीरिया में ईंधन ले जा रहे एक काफिले पर मंगलवार देर रात हवाई हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। इटली ने अधिक प्रवासियों को बचाव जहाज़ों से जाने की अनुमति दी। बचाव जहाज़ों को चलाने वाले सहायता समूहों के साथ दूर दराज नेतृत्व वाली इटली सरकार ने सप्ताह भर के गतिरोध में मंगलवार को आशंकित रूप से ढील दी गई, क्योंकि अधिकारियों ने 2 बचाव जहाज़ों पर शेष सभी प्रवासियों को बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति दी। लेकिन समुद्र में अभी भी बचाए गए 234 प्रवासियों के साथ एक जहाज ने इटली से 2 सप्ताह से अधिक की छुट्टी के बाद फ्रांस से इसे एक सुरक्षित बंदरगाह की पेशकश करने की अपील की। इटालियन ईवी स्टार्टअप डिजाइन के साथ यूएस चीनी प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इथोपिया के ओरोमिया में नई लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए। नैरोबी केन्या। देश के ओरोमिया क्षेत्र में इथोपियाई सरकारी बलों और ओरोमिया लिबरेशन आर्मी के विद्रोहों के बीच तीव्र लड़ाई में पिछले सप्ताह कई दर्जन लोग हताहत हुए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कांगो युद्धक विमानों ने M23 विद्रोही ठिकानों पर बमबारी की। गोमा। कांगो के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को देश के संकटग्रस्त पूर्व में विद्रोही ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें M23 समूह के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई। सरकार का आरोप है कि पड़ोसी खांडा की मदद से वे आगे बढ़ रहे हैं। अमीरात। 1.7 बिलियन डॉलर मूल्य के सौदे में 5 बोइंग 777 मालवाहक खरीदे हैं। न्यूजीलैंड मस्जिद हमले में 51 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति ने अपील दायर की। सिंगापुर ने डूबती नाव से 300 संदिग्ध प्रवासियों को बचाया। 2022 का एयर शो चीन को वार्षिक प्रतियोगिता के रूप में स्थान देना चाहता है। चीन इस सप्ताह अपने नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू जेट और नागरिक विमान प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि वह विश्व हथियार के व्यापार में अपने लिए एक बड़ी भूमिका निभाने और बोइंग और एयरबस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सोच रहा है। मेक्सिको में लापता व्यक्ति की मां की हत्या, 2 साल में 5वीं वारदात। गुआनाजुआत के हिंसाग्रस्त राज्य में अभियोजकों ने कहा कि मारिका वकीस रमीज की रविवार को अबासोलो शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई,
वह अपने बेटे उस्मार की तलाश कर रही थी जो जून में अबासोलो में गायब हो गया था। लंदन अंडरग्राउंड हड़ताल से गुरुवार को लगभग सभी ट्यूब सेवाएं ठप। नौकरियों और पेंशन को लेकर चल रहे विवाद में लंदन अंडरग्राउंड पर एक हड़ताल में गुरुवार को लगभग सभी ट्यूब सेवाओं को रोक दिया और राजधानी के अधिकांश हिस्से को क्रॉल करने के लिए धीमा कर दिया। उत्तरी चीन में खोजा गया 6000 साल पुराना नवपाषाण स्थल। चीनी पुरातत्वविदों ने उत्तरी चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में 6000 से भी पहले की एक नवपाषाण स्थल की खोज की है। पत्थर के औजार और टुकड़ों जैसे अवशेषों के आधार पर साइट को यांगशाओ संस्कृति से संबंधित होने की पुष्टि की गई। डिजाइनर्स का कहना है कि चीन का नया FH-97A वफादार विंगमैन ड्रोन हवाई युद्ध को बहुत बदल देगा। जलवायु परिवर्तन के लिए भुगतान करें, पाकिस्तान और अन्य देशों ने अमीर देशों को अपील की। आर्थिक संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका में खाद्य संकट के और गंभीर होने की चेतावनी दी। स्ट्रेचेबल ट्विस्टेबल डिस्प्ले के लिए LG आईज की पहनने योग्य क्षमता। सियोल, LG डिस्प्ले ने एक फिल्म जैसा डिस्प्ले विकसित किया है जिसके बारे में दक्षिण कोरियाई कंपनी का कहना है कि इसे बिना किसी डिस्टॉर्शन के उच्च रिजोल्यूशन छवियों को खींचा, मोड़ा और घुमाया जा सकता है।